नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वास्तु दोष हमारे घर में उपस्थित होता है, लेकिन उस चीज़ को हम पहचानने में गलती करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वास्तु दोष का सारा ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चलता कि हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे घर में कुछ भी जगह ऐसी नहीं है जो वास्तु के अनुसार ना हो। सभी दिशाएं अनुसार हम अपना घर बनवाते हैं। चारों दिशाओं के अनुसार ही हम अपना मुख्य द्वार भी चुनते हैं। कहा जाता है यदि मुख्य द्वार दक्षिण में होता है तो जरूर वास्तु दोष की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दक्षिण में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। आप कभी भी अपना घर बनवाने जा रहे हैं या फिर कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आप हमेशा वास्तु का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि जिस जगह को आप खरीद रहे हैं तो वह आपको फले और उसके साथ साथ आपकी तरक्की में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी वास्तु दोष ही निभाता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी तरक्की करे और तरक्की होने के साथ साथ उसका कोई करियर बने, और जिसमें सबसे ज़्यादा उसकी लाइफ का हिस्से में जहाँ पर वह रहता है सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है। क्योंकि हम जहाँ बैठते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं या फिर सोते हैं, ये सब हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग ही होता है। यदि हम वास्तु शास्त्र के अनुसार सारे कार्य करते हैं तो हमारे घर में कोई भी कमी नहीं रहती। धन, दौलत और शौहरत और उसके साथ साथ आपके करियर में भी कोई कमी नहीं होती। वास्तु दोष नाम की जो प्रक्रिया है वह आपकी ज़िंदगी से ही दूर हो जाए तो आप इन उपायों को जरूर करें। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तु शास्त्र का सूर्य के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। जिस तरह से सूर्य उगता है उसी अकॉर्डिंग से वास्तु शास्त्र उसी से नियम के अनुसार चलता है। तो आज जानते हैं कि वास्तु शास्त्र और सूरज का सीधा संबंध क्या है इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, हम सभी जानते हैं कि सूरज उगने का समय 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय होता है वह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। यानी कि सूरज की सिर्फ किरणें ही नजर आती हैं, सूर्य नहीं नजर आता। तो उस समय जो ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व का जहां मिलान होता है, उस जगह पर आप बैठकर भगवान का अध्ययन करते हैं या फिर चिंतन मनन करते हैं तो वह आपके जीवन में सबसे अच्छी ऊर्जा भरता है। उसके साथ साथ आपकी जिंदगी में जो करियर बनाना चाहते हैं उस करियर के लिए यदि प्रार्थना करते हैं तो सबसे ज्यादा खास माना जाता है। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे खास होता है। लोग उसी समय गहरी निद्रा में होते हैं, क्योंकि वह समय ऐसा होता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त निकल रहा होता है यानी कि 4 से 6 बजे का टाइम इंसान को सबसे ज्यादा गहरी निद्रा में होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस समय जागा हुआ नहीं होता। आधी चिंतन मनन में होता है तो कुछ अपने सपनों में खोए हुए होते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सोते हुए जो सपने देखता है वह कभी पूरे नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति जागकर खुली आंखों से सपने देखता है और ईशान कोण में चिंतन करता है उसी चीज़ के लिए, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों तो आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उस पूजा को जरूर करें और अपने चिंतन मनन के लिए जरूर समय निकालें। यदि आप भगवान को पूजते हैं तो आप भगवान की आराधना करने के लिए सबसे अच्छा समय आपका 4 से 6 है, तो आप उस समय में भगवान की प्रार्थना करें, उपासना करें और हो सके तो आप उनमें ध्यान मगन हो जाए, तो यह आपकी जिंदगी में कैरियर को सुधार ही देंगे। पर 2, 9 से 12 का समय। वैसे तो कहा जाता है कि 9 से 12 का जो समय होता है वह मध्याह्न होता है, क्योंकि उस समय सूरज सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर होता है और उससे निकलने वाली ऊर्जावान हमारे शरीर को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देती हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपके घर से हमेशा नकारात्मक चीज़ें दूर रहें तो आप जब सूर्य इस दिशा में हो तो आप अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दें, ताकि आपके घर में सूरज की रोशनी प्रवेश कर सके और प्रवेश करने के साथ साथ आपके घर से नकारात्मक चीज़ें दूर कर सके। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाएं तो आप रोशनी की सारी किरणों के लिए अपने घर में खिड़कियां जरूर बनवाएं और कोशिश ये रखें कि आप रसोई घर को भी इस तरह से बनवाएं ताकि सूर्य की किरण आपकी रसोई में सीधे प्रवेश कर सकें। नंबर 3, 12 से 3। यदि आप 12 से 3 का समय सबसे ज़्यादा
दोपहर माना जाता है, क्योंकि उस समय सूरज हमारे सर से थोड़ा आगे हो जाता है, यानी कि हमारे सर के बिल्कुल ठीक ऊपर तो नहीं, थोड़ा उससे आगे होने पर हमारे ऊपर पड़ने वाली रोशनी सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं और वह किरणें हमारे जीवन की जितनी भी प्रक्रिया हैं उन सबको नुकसान पहुँचाता है। यदि आप उस समय विश्राम करते हैं, क्योंकि वह समय विश्राम के लिए खास माना जाता है, तो अपना विश्राम कक्ष यानी शयन कक्ष अपने दक्षिण में ही रखें, क्योंकि अगर दक्षिण में शयन कक्ष होगा तो आपके जीवन में होने वाली प्रक्रिया और जो नुकसान है वह सभी दूर हो जाएंगे। और सूर्य किरण का सबसे ज्यादा खास महत्व ये होता है, यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं और सूरज की रोशनी के अनुसार चलते हैं तो समय के भी हमें पता चलता रहेगा, क्योंकि घड़ी एक ऐसी चीज है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने घर में वास्तु दोष को पहचान सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वास्तु दोष से आप निपटान कर सकें तो आप सूरज की किरणों से या फिर घड़ी के अकॉर्डिंग उस समय को अपने घर में व्यवस्थित करें और उसी के अकॉर्डिंग अपने घर में उस व्यवस्था को बनाए रखें। नंबर 4, समय है 3 से 6। कहा जाता है 3 से 6 का समय सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस समय जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, घर का मुखिया किसी कार्य को करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा सफलता मिलती है। यदि उस समय में आप दक्षिण कोण में यानी कि दक्षिण दिशा में आप कोई भी मशीन लगाते हैं या फिर पुस्तकालय बना रहे हैं या फिर जिस काम के लिए आप प्रॉफिट चाहते हैं वह दुकान खरीद रहे हैं, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा समय 3 से 6 का बिताएं, क्योंकि अगर आप 3 से 6 का समय उसमें व्यवस्थित करते हैं तो वह आपके जीवन में सफलता लेकर आता है। नंबर 5, 6 से 9, यह समय होता है जब सूरज पश्चिम दिशा में पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। उस समय आप यदि क्षितिज दिशा को देखते हैं तो वह कुछ ज़्यादा ही आसमान और सूर्य की किरणें एक दूसरे से मिलती हुई नजर आती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी गड़बड़ ना हो और आपका वास्तुशास्त्र हमेशा सही रहे, जिसकी वजह से आपके जीवन में पड़ने वाला प्रभाव कम हो जाए, तो आप वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ही ये कार्य करें। और यदि आप घर के मुखिया चाहते हैं कि आपके घर में प्रॉफिट हमेशा बना रहे और साथ के साथ कोई हानि ना हो, तो आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, क्योंकि सूरज जब निकलता है और छुपने तक का कार्य उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, जिसके अनुसार आपका वास्तुशास्त्र चल रहा है। यदि आप अपने वास्तुशास्त्र को सुधारना चाहते हैं तो सूरज की किरणों से कुछ सीख लें और ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने सारे कार्य जो जरूरत के हैं और जिनसे आप करियर बनाना चाहते हैं तो उन कार्य को शुरू करें। तो ये है वास्तु दोष और सूर्य का सीधा संबंध। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।